मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान पर जिला मुख्यालय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध जारी। मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान पर माफी के बाद भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी करनी सेना। पुतला दहन करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े करनी सेना के कार्यकर्ता। करनी सेना ने मंत्री का इस्तीफा न देने पर आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव में विरोध करने की दी चेतावनी। मंत्री बिसाहूलाल के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान पर अब बड़े शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी के तहत भिंड जिले के उमरी कस्बे में करनी सेना के जिला मीडिया प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह और मंडल अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने मंत्री बिसाहूलाल के द्वारा महिलाओं के ऊपर विवादित बयान को लेकर पुतला दहन किया। साथ ही मंत्री बिसाहूलाल के इस्तीफे की मांग की। करनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिसाहूलाल को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो आगामी 2023 में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना होगा। पुतला दहन के समय करनी सेना के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वो क्या माफी मांगेंगे? फिर हमारी टीम माननीय शैलेंद्र सिंह झाला जी बोल चुके हैं कि मुझे माफी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इनका इस्तीफा चाहिए या इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। फिर ये खरीदे हुए मंत्री हैं, कांग्रेस से खरीदे हुए मंत्री हैं बिसाहूलाल, ठीक है, इनको सिर्फ इस्तीफा। और अगर बीजेपी इस्तीफा नहीं देती है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करती है, तो इसका अंजाम इन्हें 2023 में भुगतना पड़ेगा।